आप में से काफी सारे लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि अगर चलता हुआ पंखा हमारे ऊपर गिर जाता है तो हम लोग मर सकते हैं, या फिर अगर पंखे के ब्लेड हमारी गर्दन पर सैड बैठ जाते हैं तो हमारी गर्दन धड़ से अलग हो सकती है, या फिर हमारी बॉडी पर हैवी इंजरी हो सकती है। तो गाइस आपके इस सवाल के लिए ही आज हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है जीरो बजट में, और इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं थर्माकोल एज ए ह्यूमन बॉडी। अब यार जीरो बजट तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, एंड ऊपर लटका हुआ है हमारा पंखा जो कि इस वायर से चलने वाला है, एंड वहां पे हमने लगा रखा है एक सर्किट जो कि 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो चलो फिर करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम घर से काफी दूर कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा घर पे कुछ भी ट्राई नहीं करना है क्योंकि यार बहुत खतरनाक है। खतरनाक है ही यार। रेडी, 1 2 3। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। तो गाइस हमने थर्माकोल को एज ए ह्यूमन बॉडी यूज किया था, लेकिन हमारे थर्माकोल पे कुछ भी डैमेज देखने को नहीं मिला। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि भाई पंखा गिर जाता है हमारे ऊपर तो हमें कुछ हैवी डैमेज होगा, हमारी गर्दन वर्दन उड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पंखे का वेट है उससे भाई कुछ इंटरनली डैमेज देखने को मिल सकता है, और इस दुर्घटना से बचने के लिए आजकल की कंपनियां कुछ ऐसे सेफ्टी वायर्स देती है, तो आप लोगों को पंखे में ये सेफ्टी वायर जरूर लगाने चाहिए। एंड वीडियो कुछ नया मिला हो तो वह वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली तल्ली।